सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A8 Plus 2018 वेरियंट के बारे में। तो जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A8 Plus 2018 वेरियंट के यूजर मैनुअल गाइड लीक होकर सामने आ गया है। इसका मतलब ये फ़ोन बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है, मे बी हमें यह फ़ोन दिसंबर के एंड में देखने में मिल सकता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैं बता दूं कि A8 Plus में आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा फ्रंट साइड में, तो एक अच्छी बात है। और ये यूजर मैनुअल कल रात में ही लीक होकर निकल के सामने आई थी, लेकिन मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। तो इसमें आपको NFC का सपोर्ट भी मिलेगा और सैमसंग का पे इसमें आपको इनबिल्ट ऐप मिल जाएगा, जिस तरह से आप यहाँ पर लीक होकर जो सामने आया है उसमें इजीली आप देख सकते हैं। तो पूरा यूजर मैनुअल लीक होकर सामने आया है। मैं बता दूं कि इसमें आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा और अलग से आपको माइक्रो एसडी कार्ड के लिए एक अलग से स्लॉट दिया जा रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है, आपको अलग से एक स्लॉट दिया जा रहा है। ये सब कुछ यूजर्स मैनुअल में लीक होकर निकल के सामने आया है, तो एक अच्छी बात है, आपको अब दो सिम लगा पाइएगा और एक अलग से माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा पाइएगा 256 GB तक, तो एक अच्छी बात है यहाँ पर। और मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये फ़ोन IP68 सर्टिफाइड है, इसका मतलब ये फ़ोन वाटर रेसिस्टेंट एंड डस्ट रेसिस्टेंट होने वाला है। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि सबसे पहले ये फ़ोन को शायद साउथ कोरिया में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ये फ़ोन इंडिया में जनवरी या फिर मार्च के बीच में आ सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि ये फ़ोन को इंडिया में कब लॉन्च करेगा कब लॉन्च करेगा। तो मे बी ये फ़ोन आपको मार्च में लॉन्च होते हुए दिख सकता है। सैमसंग ए सीरीज़ के फ़ोन हमें मार्च में ही लॉन्च करता है, तो ये फ़ोन हमें मार्च में ही आ सकता है। और इस फ़ोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सुविधा भी देखने को मिलेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कब तक ये फ़ोन को लॉन्च करते हैं, किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च करते हैं। मैं बता दूं कि प्राइस 30,000 से ऊपर ही होने वाली है इंडिया में। जी हाँ, 30,000 से ऊपर ही होने वाली है इंडिया में, तो ये कुछ लीक निकल के सामने आई है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चल जाए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली इसी तरह से टेक वीडियो चलाता रहता हूँ और आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।